अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालद। इस गाय को आप देख रहे हैं, इसका नंबर है जी 06। तो गाय का जो लास्ट वीक का दूध का रिकॉर्ड था ना जी, वो था 41 लीटर। 41 लीटर इसका लास्ट वीक का दूध का रिकॉर्ड था, और इस वीक इसका जो दूध था वो था 44 लीटर। तो हैरानगी की बात इसमें क्या है, फ्रीजियन है, इम्पोर्टेड ब्लड है, तो इसके लिए 41-42 लीटर दूध कोई माने नहीं रखता। लेकिन इसमें ऐसा स्पेशल क्या आया है कि इसका 44 लीटर दूध है, और इसको हम बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को। इसका जो 44 लीटर दूध है ना जी, वो आप इसके थन देख सकते हैं, इसके आगे वाले जो दोनों थन है ना, वो ज़ाया हो चुके हैं। इसके सिर्फ पिछले दो थन चलते हैं, और दो थनों से इसका जो दूध है वो 44 लीटर है, सिर्फ दो थनों से जी। सुबह का तकरीबन 21-22 सुबह, और इसी तरह 21-22 शाम का दूध है दो थनों से। तो ये है बेसिकली, अगर आप इसकी फिजीक देखें, इसकी एंगुलैरिटी देखें, पुट्ठा देखें, लेग्स देखें, अडर की कन्फर्मेशन देखें। अडर तो खैर अभी थोड़ा सा डी शेप हो चुका है, चूँकि उसके चलते ही दो थन है, दो थन ज़ाया हो चुके हैं। तो अगर आप इसकी अपीयरेंस देखें, इसकी फिजीक देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 44 लीटर अगर ये दो थनों से दे रही है, अगर इसके चारों चारे होते तो शायद ये 60-65 लीटर तक दूध दे रही होती। इस तरह की इसकी डेयरी जो ट्रेट्स है ना, वो फुल है इस गाय में। तो ये जो इम्पोर्टेड काउज हैं, इनकी सबसे बड़ी खूबी यही है, ठीक है जी, कि अगर इनका एक थन डेड होता है ना, तो ये उसका काफ़ी जो पोर्शन है वो बाकी तीन थनों में दूध का शिफ्ट कर देती हैं, ठीक है। मतलब नेचुरली चूंकि इनमें दूध के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं मकदार में, और दूध पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, इनका एक थन डैमेज हो जाए तो ये तकरीबन उतना ही दूध देती हैं जितना चारों थनों से इन्होंने देना था। लेकिन ये हैरान कुन है कि कोई जानवर दो थनों से भी 44 लीटर दूध दे रहा है। तो ये है जेनेटिक गेन, इसको हम बेसिकली कहते हैं जेनेटिक गेन, के ब्रीड के ऊपर इतनी मेहनत की जाए कि आपकी जो ब्रीड है वो दो थनों से भी 44 लीटर दूध दे। इसके साथ मुझे इजाज़त है।